आप देख रहे हैं एबीपी इंडिया न्यूज, हर खबर सच के साथ। जनपद संबल की चंदौसी कोतवाली प्रभारी अमित कुमार जब हमराहों के साथ तहसील तराई पर वाहनों की जांच कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों को रोककर कागज मांगे तो कागज नहीं दिखा सके। पूछताछ में तीनों लोग वाहन चोर निकले। पुलिस ने वाहनों की निशानदेही पर आधा दर्जन मोटरसाइकिल बरामद की है। चंदौसी से सुंदरगुण की रिपोर्ट। वो पास मारे थोड़ा बात समझ गए। आज जो ये खुलासा करा है, क्या पूरा मामला क्या है? जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वाहन चोरों और इनके अपराधियों की धरपकड़ का एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में हमारी स्वाट टीम चंदौसी थाना ने संयुक्त रूप से मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके और ये कार्रवाई की है, जिसमें तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अमजद, काशिम और आकाश, इनके मौके से इनसे दो मोटरसाइकिलें, एक अवैध तमंचा, एक चाकू बरामद हुआ है और इनकी निशानदेही पर आठ मोटरसाइकिलें चोरी की और बरामद की गई। इसी क्रम में जब इनकी चोरी की मोटरसाइकिलों की जानकारी की गई तो एक मोटरसाइकिल कनेक्ट हुई है जो सूरजपुर आपके नोएडा से चोरी की गई है और बाकी भी दो एक जगह से और सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कनेक्ट होने की। उसमें हम जांच कर रहे हैं और घटना का अनावरण करेंगे। अन्य जो चोरी की घटनाएं हैं उनको लिंक करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर इनकी और कहाँ गए बदमाश? ये चंदौसी में ही चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई है। कितने गिरफ्तार हुए? तीन। और क्या बरामद हुआ? ये मैंने बताया आपको, तमंचा, दो कारतूस और एक चाकू साथ में बरामद हुआ।